नसीमुल्ला शाहीन नाम है मेरा। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं ये एक अर्पनेज है, यतीम बच्चों का एक घर है। और ये मेरे साथ मेरा बेटा मोहम्मद तलहा नसीम, इसकी चौथी सालगिरह थी। तो जिस तरह पहले इसकी सालगिरह में मनाया करता था, पिछली दफ़ा जो है हमने प्लांटेशन की थी एक अर्पनेज में, इस दफ़ा भी मैंने ये सोचा कि रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना है और इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि हम अपना ये पैगाम जो है लोगों को इस तरह दें कि आओ खुशियाँ मनाएं, लेकिन दूसरे लोगों को जो है वो अपने साथ मिलाकर। ये आज की जो हमारी तकरीब है इसमें नहीं कोई केक काटा जाएगा, नहीं कोई शमे रोशन होगी, न कोई बालून वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये जो है उन सब चीज़ों से सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस चीज़ पर मैं फ़ख्र करता हूँ कि ना सिर्फ मैं एक बच्चे की खुशी के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, बल्कि यहाँ जितनी भी इस अर्पनेज के बच्चे हैं, पूरी खैबर पख्तूनख्वा के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इंशाल्लाह आज सब बच्चों के जो है वो चेहरों पर हम इकट्ठे मुस्कुराहटें जो है वो लाने में कामयाब होंगे। साथ इन बच्चों के जो है दीगर हमारे दोस्त अहबाब जो है वो भी इस अफ्तार पार्टी में मदऊ है, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसका अजर हमें दे। अच्छा, ऐसा है कि पैसे खर्च करना हर एक की जो है ख्वाहिश होती है अपनी खुशी पर, लेकिन पैसा खर्च ऐसी जगह करना चाहिए जिससे आपके दिल को भी सुकून हो और जिससे किसी दूसरे बंदे को भी फ़ायदा हो। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि कोई खुशी के मौके पर, सालगिरह या शादी वगैरह के मौके पर पैसे खर्च ना करें, ज़रूर खर्च करें, ज़्यादा खर्च करें, लेकिन दूसरे लोगों को जो है अपनी खुशी में शरीक कराएँ और फिर आप देखें आपको एक दिली सुकून मिलेगा। इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और ये एक अच्छी इकदाम है, और इसकी मेरे ख्याल से बुनियाद भी यहाँ पे जो स्टार्टिंग ली थी नसीमुल्लाह शाहीन ने एज ए मैनेजर, यहाँ पे जो सारा शुरू में सारा सिस्टम था वो संभाला था, और इसको एक अच्छी तरीके से आजकल माशाल्लाह ये एक कामयाब इदारा हमारे सामने अब नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जो अब ये नसीम ने ये स्टेप लिया है कि अपने बच्चे का और सालगिरह यहाँ पे मनाएं, इससे एक अच्छी बात मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। ये एक अच्छी बात है कि दूसरे के बच्चों के, यतीम बच्चों के साथ आके यहाँ पे अपने बच्चे का सालगिरह मनाना और इसके साथ इनकी खुशी में वो भी थोड़े से खुश हो जाते हैं, ये भी अपनी खुशी इसमें मतलब मना लेता है, तो ये इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती।